नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम पापड़, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बनाना शुरू करते हैं। आम का पापड़ बनाने के लिए हमने 1 किलो पके हुए आम लिए हैं। आम को धोकर छील कर उसका पल्प निकाल लिया है। ये देखिए, हमने पल्प निकाल लिया है। अब इस पल्प को ग्राइंडिंग जार में डालकर हमें बिना पानी के पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनानी है। गर्मियों के मौसम में मार्केट में डिफरेंट टाइप के आम मिलते हैं। आम पापड़ बनाने के लिए हमें पके हुए आम का ही यूज करना है। बिना पानी डाले हमें इस पल्प को बारीक पीसना है। देखिए, आम की प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे एक पैन में डालते हैं। देखिए, आम की कितनी स्मूथ प्यूरी बनकर तैयार हुई है। अब इसे पकाते हैं। हमें आम के पल्प को लो टू मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए पकाना है। हमें आम को लगातार चलाते हुए जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक पकाना है। देखिए, आम का पल्प पक गया है। अब इसमें 1/2 कप चीनी डाल दें। हमने इसमें 125 ग्राम चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब चीनी के मेल्ट होने तक आम के पल्प को पका लेते हैं। अब एक प्लेट में आम के पल्प को चेक करके देखते हैं कि अगर पल्प बह नहीं रहा है या पल्प की मोटी परत बन गई है तो आम का पापड़ बनने के लिए रेडी है। आम के पल्प को गाढ़ा होने में 8-10 मिनट का समय लगता है। हमें इसे पकाते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। अब गैस बंद कर दें। हमने एक स्टील की प्लेट को देसी घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें आम का पल्प डाल देते हैं। हमने ग्रीस इसलिए किया है ताकि आम का पल्प प्लेट पर चिपके नहीं। आम पापड़ बनाने के लिए कांच या प्लास्टिक की प्लेट ना लें, क्योंकि आम का पल्प गर्म होता है, इसलिए इसे जमाने के लिए आप स्टील की ही प्लेट लें। अब आम के पल्प को धीरे धीरे प्लेट में फैला लेते हैं। देखिए, चारों तरफ घुमाते हुए इसको फैला लेना है। आम पापड़ को सूखने के लिए 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन इसे धूप में सुखा लें, पंखा चलाकर भी आप सुखा सकते हैं। 2 दिन धूप में रखने के बाद देखिए, आम पापड़ सूख गया है। अब इसे एक चाकू से किनारों से छुड़ा लेते हैं ताकि ये आसानी से उतर जाए। देखिए, आम पापड़ आसानी से उतर गया है। धीरे धीरे इसको उठाते रहें और कितनी आसानी से ये उतर रहा है। अब धीरे धीरे चारों तरफ से सारे आम पापड़ को अच्छी तरह छुड़ा लेते हैं। देखिए, कितना परफेक्ट आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। हाथ में ले के दिखाती हूँ, कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है। अब इसे काटते हैं एक तेज नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर से। आप इसे आसानी से काट सकते हैं। इस पे मार्क बना लें। मार्क बनाने के बाद अब इसे आम पापड़ को रोल करते हैं। देखिए, कितना जूसी आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। आम पापड़ के रोल बनकर तैयार हैं। आप इसे मनचाही शेप में काट सकते हैं। हमने इसके रोल बनाए हैं। कितनी बढ़िया आम की मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी शेप में काट सकते हैं। हमने इसके रोल बनाए हैं। ऐसे ही आप सारे रोल तैयार कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।